दोस्तों आप देख रहे हैं देश रंग द अनसीन इंडिया, देश दुनिया के अनमोल धरोहरों का किस्सा, धरोहर विरासत। दोस्तों बहुत से वीडियो में लोग ये जानना चाहते हैं कि सांवरिया सेठ मंदिर कैसे जाया जाए, वहां पहुंचने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और वहां कैसे रुकने की व्यवस्थाएं हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सांवरिया सेठ मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं। दरअसल यह मंदिर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बस अड्डे से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोगों को सांवरिया सेठ जी को लेकर ऐसी आस्था है कि जितना वे यहाँ चढ़ाएंगे सांवरिया सेठ जी उनके खजाने में उससे भी ज्यादा भर देंगे। इसी भावना को मन में धारण करके हर महीने लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर आते रहते हैं और सांवरिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं और मुनाफा होने पर उनके हिस्से की राशि चढ़ाकर उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। दोस्तों इस मंदिर में ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ के अन्नकूट क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए जो भोजन प्रसादी बांटी जाती है, यदि श्रद्धालुओं की संख्या कभी अधिक हो जाए तो भी घी और अन्य भोजन सामग्री कभी कम नहीं पड़ता। जितने श्रद्धालु होते हैं सभी को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्रसादी मिल जाती है। यह सांवरिया सेठ जी का चमत्कार ही है। दोस्तों सांवरिया सेठ मंदिर जब भी आपको जाने की इच्छा हो तो आपको चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के लिए टिकट बुक करना पड़ेगा। जी हाँ, इसका कोड है COR। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन उतरने के बाद मंदिर क्षेत्र में जाने के लिए आपको रोड मार्ग के जरिए जा सकते हैं। बस और रिक्शे की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। दोस्तों सांवरिया सेठ में रुकने की उत्तम व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों इसी तरह से देखते रहिए देश दुनिया की अनमोल धरोहरों का किस्सा, धरोहर विरासत, सिर्फ देश रंग टीवी पर।